हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड। और इस वीडियो हम बात करेंगे कीलोइड के बारे में, ईयर लोब कीलोइड के बारे में। कीलोइड क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे, और ये ईयर लोब कीलोइड क्यों बनता है और कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं इसके लिए। सो कीलोइड बेसिकली एक तरह का एक टफ टिश्यू होता है जो हमारे स्किन के जो अपर बॉडी पार्ट है उसमें होने का चांसेस रहता है। मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप हमारा स्किन जो कहीं से कट लगता है तो कट होने के बाद में हमारी स्किन अच्छे से हील हो जाता है, और हील होने के बाद में वहाँ पे कुछ कोलेजन रीमॉडलिंग होती है, लेकिन ज़्यादा कोलेजन नहीं बनता है। जो बनने वाला कोलेजन होता है हल्का सा टफ टिश्यू होता है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा बॉडी ज़्यादा टफ टिश्यू बनाता है, और एक ग्रोथ करने के बाद में, टिश्यू ग्रो होने के बाद में भी वहाँ पर और एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं कीलोइड। एक कीलोइड होता है, एक होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। अगर आपका टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा टफ बन रहा है, साथ में थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा है और ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उस एरिया में बियॉन्ड द ट्रोमा एरिया, तो उसको बोलते हैं कीलोइड। और अगर आपका जो टिश्यू है वो उसी एरिया में बन रहा है जहाँ पर चोट लगी है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग। ओके, तो ये फोटोग्राफ जो देख पा रहे हैं बेसिकली कीलोइड की है, जो कि काफ़ी एंग्री लुकिंग होता है और शाइनी स्किन वाला होता है, और साथ साथ में थोड़ा पेन होता है क्योंकि वहाँ पर नर्व्स होती है, वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा नर्व्स आपस में ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने के बाद में वहाँ पर पेन ज़्यादा होता है। हाइपरट्रॉफिक स्कार, ये वाला एक हाइपरट्रॉफिक स्कार है जो उस स्कार वाले एरिया में ही होता है, और मोस्ट ऑफ टाइम ऑब्वियसली ट्रॉमा के बाद में होता है। जब आपका कोई ट्रॉमा होता है तो वहाँ पर कोलेजन बनता है, और उसके बाद में कीलोइड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, कीलोइड हर किसी में नहीं बनता, कुछ लोगों में टेंडेंसीज होती है उसमें बनता है। मेल एंड फीमेल के रेशियो में मोस्ट ऑफ टाइम फीमेल्स में ज़्यादा होता है, निग्रोज होते हैं जो ब्लैक स्किन वाले होते हैं उनमें ज़्यादा होने का चांसेस रहता है ये। तो कीलोइड का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका डिपेंड करता है कि हमारे स्किन के अंदर कीलोइड कहाँ पर है और किस साइज़ का आपका कीलोइड है। अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहली बात है कि उस एरिया को हमें थोड़ा सा प्रेशर, कह सकते हैं, थेरेपी देना पड़ेगा। प्रेशर थेरेपी का मतलब ये होता है कि कुछ सिलिकॉन पैचिंग या फिर प्रेशर से उस एरिया को दबा के रखना पड़ता है लंबे समय तक के लिए, और ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर्स तक हमें उसको प्रेस करके रखना पड़ता है, तब जाके कह सकते हैं उसका कुछ इफेक्ट आ सकता है। कुछ ऐसे एरियाज़ जैसे कि अगर आपका ईयर लोब की बात करें, अगर इस एरिया पे अगर आपका कीलोइड बनता है तो उस कंडीशन के अंदर हम कुछ प्रेशर बैंडेज होती है या फिर कुछ प्रेशर गारमेंट्स होते हैं हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, कुछ मैग्नेट भी होती है जो कि हम इस एरिया पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली एक मैग्नेट का है, जो कि मैग्नेट आपका दोनों साइड के अंदर आपका चिपका सकते हो, ताकि आपका एक प्रेशर की वजह से आपको टिश्यू ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा और आपको कीलोइड में थोड़ी हेल्प मिलेगी। सेकंड बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिसिन की बात करें, तो देखिए ऐसी कुछ मेडिसिन नहीं होती है जिसकी वजह से कि आपका कीलोइड पूरी तरह से ठीक हो जाए। ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं होती कि आपके ग्रोथ को कम कर दें या फिर बढ़ने से रोक दें, है ना, बिकॉज एक तरह का एबनॉर्मल थोड़ी सी ग्रोथ हो सकती है। नॉर्मल टिश्यू होता है लेकिन ग्रोथ एबनॉर्मल होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है उसकी वजह से होती है। तो ऐसी कोई दवाई होती नहीं कि जिसकी वजह से, या जो दवाई देने के बाद में आपको इस तरह से पूरी तरह से ठीक कर पाए वो। हाँ, कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो इसके साइज़ को कम करते हैं, ठीक है, तो वो डॉक्टर आपके इंजेक्शन कुछ दे सकते हैं जो कि इसके श्रिंक करने में हेल्प करेंगे। वो इंजेक्शन 1 in 3 weeks या 1 in 4 weeks आपको दे सकते हैं। रफली 4 to 6 इंजेक्शन आपके दिए जा सकते हैं। अगर आपका जो कीलोइड काफ़ी बड़ा हो, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो श्रिंक करने वाले इंजेक्शन है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाएंगे, उसको हो सकता है कि डॉक्टर आपको अवॉइड कर दे। उस स्टेज के अंदर आपके डॉक्टर है उसको बोलते हैं डीबल्किंग सर्जरी। ओके, आपके साइज़ को कम करने के लिए, उस कीलोइड के साइज़ को कम करने के लिए कुछ आपके जो सर्जरी कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास पेशेंट आए थे जिनके एक कीलोइड था जो कि काफ़ी बड़ा था एंड ईयर लोब के ऊपर था, आप देख पा रहे हो, और ओबियसली पीसिंग के बाद में ज़्यादा होता है ये सारे कंडीशंस। और पीसिंग के बाद में यहाँ का स्किन थोड़ा थिक हो गया था और मोटा हो गया, तो उसके बाद में सीकेम की डॉक्टर आई वांट सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दैट। तो क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था इसलिए हमने इसका डीबल्किंग सर्जरी किया। और डीबल्किंग सर्जरी में क्या होता है कि हम उस एरिया को हल्का सा एक इंजेक्शन देके उस एरिया को नम कर देते हैं। नम करने के बाद में उस एरिया में से जो आपका टफ टिश्यू है उसको हम धीरे से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में वो जो आपका रिमेनिंग स्किन होती है, जो एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम फिर से उस एरिया के ऊपर वापस कह सकते हैं उसको सूचर कर देते हैं। ओके, और सूचर करने के बाद में ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं, सूचर करने के बाद में कंडीशन है, और उसके बाद में ये सूचर्स आपके 7 days में रिमूव हो जाते हैं। और ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं बेसिकली ये आफ्टर 2 months से जहाँ पे ऑलमोस्ट ही अच्छे से आपका जो कीलोइड ठीक हो चुका है। अब बात करते हैं कि क्या सर्जरी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है कीलोइड के लिए। आई थिंक नहीं। ओके, सर्जरी तभी कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उस कंडीशन में आपके डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम कीलोइड के लिए सर्जरी बहुत ज़्यादा अच्छा है ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होता है। अगर हम बात करें कि सर्जरी क्या परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है किसी का किया जाता है, तो वो भी नहीं है। ओके, सर्जरी करने के बाद भी उस एरिया में टिश्यू बढ़ सकता है, लेकिन यह है कि वो टिश्यू आपका फिर से इंजेक्शन से मैनेज हो सकता है। ओके, कुछ लोगों में ग्रोथ होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। ग्रोथ होता है तो इंजेक्शन वाला पार्ट आपके लिए सुपीरियर रहेगा। तो ये था कीलोइड के बारे में, स्पेशली जो आपका ईयर लोब के कीलोइड के बारे में। और भी कोई क्वेश्चन हो आपको कीलोइड के बारे में तो ज़रूर मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।